नमस्कार दोस्तों। तो आज हम व्याकरण में से सर्वनाम जो है, जो हमारा घटक है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो नाम क्या है, मतलब संज्ञा क्या है, संज्ञा की जानकारी हमने देख ली है, बराबर है ना? किसी भी उस संज्ञा की परिभाषा भी हमने देखी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव, प्राणी का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है, देखिए संज्ञा यानी नाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का दूसरा है, देखिए तुम कहां गए थे,
तीन ऊपर है रहे हैं जो हम विस्तार से बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी शुरू शुरू में मैं आपको क्या कर रहा हूं इसकी जानकारी दे रहा हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उपभेद हैं वे भी कितने हैं, तीन उपभेद हैं। एक है उत्तम पुरुष जो बोलने वाला लोग के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा है मध्यम पुरुष जो बोलने वाला सुनने वालों के लिए इस्तेमाल करता है, और तीसरा है अन्य पुरुष जो बोलने वाला नागरिकों के लिए, नागरिक सुनने वालों के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करता है। ओके, सर्वनाम का दूसरा भेद देखिए, दूसरा भेद कौन सा है? संकेतवाचक अथवा निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक अथवा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखिए, पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को संकेतवाचक अथवा निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति, चाहे वह पास हो चाहे वह दूर हो, उसकी ओर हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। संकेत क्यों करते हैं? क्योंकि वह वहां पर निश्चित रूप से है, वह वस्तु या वह व्यक्ति वहां पर निश्चित रूप से है, इसलिए हम उसकी ओर क्या करते हैं? संकेत करते हुए बोलते हैं। देखिए परिभाषा फिर से, संकेत जो किताब अभी आपके हाथ में है,
आगे देखिए हमारा अंतिम पेज है प्रश्नवाचक सवर्ण अंतिम पेज हमारा कौन सा है प्रश्नवाचक सवर्ण एकदम आसान एकदम आसान ये सब सारे सारे पेज एकदम आसान है हां लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं उन्हें कठिन समझते हैं हां लेकिन दोस्तों सही बात ये है कि ये जो चाहे वो व्याकरण हो चाहे वो गद्य हो पद्य हो उसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं होती लेकिन सिर्फ हम ऐसा समझकर बैठे हैं कि ये कैसे है कैसा है कठिन है छठा पेज देखिए प्रश्नवाचक सवर्ण जिस सवर्ण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जिस सवर्ण शब्द का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उस सवर्ण को प्रश्नवाचक सवर्ण कहते हैं देखिए जिस सवर्ण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सवर्ण कहते हैं उदाहरण के लिए धन्यवाद।